हेलो दोस्तों, मैं रविंदर आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल ओवरसी जॉब्स पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वैकेंसी के साथ आया हूँ। ये जो वैकेंसी है ये है आपका बहरीन का। यहाँ ये इंटरव्यू होने जा रहा है कोलकाता में। ये इंटरव्यू आपका होगा 11 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है बताता हूँ। रिक्वायरमेंट बताने से पहले मैं कंपनी का नाम बता दे रहा हूँ। कंपनी का नाम आपका है वेब ऑल आहरा। और इन लोगों को जो जो चाहिए, ये कुक चाहिए, ये रेस्टोरेंट का रिक्वायरमेंट है। तो क्या क्या हमें बता दे रहा हूँ सही से सुन ले। पहला आपका हेड सेफ, इन लोगों को चाहिए 20 बंदे। सैलरी इसका है 350 से 400 BT। और इसका जो एक्सपीरियंस इन लोगों ने मांगा है सेम फील्ड में मांगा है। और कुछ और इसमें जो इन लोग जो सेफ है वो काफ़ी वैरायटी का, मतलब काफ़ी वैरायटी एक ही, मतलब कि जिस तरह हो गया आप कुछ भी उन लोग को पूछा जा सकता बनाने के लिए, जो कॉमन चीज़ होता है, ठीक है। बस इसमें यही लिखा है कि मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वेरियस कजिन, ठीक है। और दूसरा है आपका असिस्टेंट कुक, इन लोगों को इसमें टोटल 30 चाहिए। सैलरी इसका 100 से 120 BD है, ठीक है। और एक्सपीरियंस इसमें इन लोगों ने 2 से 5 साल तक का मांगा है सेम फील्ड में। इसके बाद आपका है ग्रिल कुक, ग्रिल कुक इन लोगों को 20 चाहिए। सैलरी इसका 150 BD है, इंक्लूडिंग फूड। फूड इसमें जो भी अब तक बता रहा हूँ फूड इंक्लूड है इसमें, फूड अलग से नहीं दिया इन लोगों ने। इसमें भी एक्सपीरियंस 2 से 5 साल तक का मांगा है सेम फील्ड में। और इन लोग को चाहिए कुक, 140 से 150 सैलरी है, इंक्लूडिंग फूड है। एक्सपीरियंस सेम चाहिए, 3 से 5 साल तक का सेम फील्ड में। और इन लोग को चाहिए पिज़्ज़ा मेकर, पिज़्ज़ा मेकर इन लोग को 20 चाहिए, पिज़्ज़ा मेकर इन लोग को 20 चाहिए। सैलरी है 150 BD। और कैंडिडेट का इसमें भी एक्सपीरियंस 3 से 5 साल तक का होना चाहिए। और इसमें कुछ कंडीशन लिखा है, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ टेम्परेचर एंड डिग्री ऑफ प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा, मतलब कि उसको थोड़ा सा गर्मी झेलने का आदत भी होना चाहिए। और इसमें जो टाइमिंग है, ये जॉब टाइमिंग जो होगा आपका 10 घंटे का होगा। और एज लिमिट है 22 से 35 साल तक का। और इसमें जो जाना चाहते हैं मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करें, ठीक है। इसमें वही जाए जो एक्सपीरियंस बंदा हो, क्योंकि इस तरह से जानने पर फालतू का भीड़ बढ़ाने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट उन लोग हो सक वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू लेने का मतलब है कि वो सिर्फ पूछेंगे नहीं, वो बनाने के लिए भी देंगे। तो वही लोग जाए जो एलिजिबल हो, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना होगा तो कॉल कर सकते हैं, या वांट चाहिए तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा। जल्दी मैं मिलूँगा एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय।